हाय एवरीवन, दिया यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक, आई होप ऑल गुड। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, साउथ की फेमस सांभर की रेसिपी। अब हमें सांभर बनाने के लिए चाहिए अरहर की दाल। ये मैंने पानी में फुला ली थी पहले ही, और इसे ये मैंने दो तीन लोगों के साथ लिया। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ से ले सकती हैं। अब इसमें हमें सब्जी डालनी है, वो है शिमला मिर्च, लौकी और मटर। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल है मैं उसी से आप लोगों को सांभर बनाकर दिखाऊंगी। फिर भी ये बहुत टेस्टी होता है, जितनी चीज़ों में मैं इसे बनाऊंगी उतनी चीज़ों में ये बहुत टेस्टी बनेगा। और आप इसमें गाजर भी डाल सकती हैं, इसमें बैंगन भी डाल सकती हैं, और आई थिंक गोभी भी डाल सकता है, लेकिन ये चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ मैं इस समय। और इस समय के बाद ये तीन चीज़ डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसे जब छौंकूंगी तब आप लोगों को बताऊंगी इसका तड़का किन किन सब्जियों से लगता है। अभी मैं इसे उबालने के लिए रखती हूँ। हमने अपनी सारी सब्जियाँ कुकर में डाल दी हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक। नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, और डालेंगे इसमें हम 2.5 गिलास पानी, तो ये हाफ। ऐसे हम ढककर बिल्कुल हल्की फ्लेम पर कम से कम 7-8 सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए, हमने अपना सांभर बनने के लिए रख दिया है बिल्कुल हल्की फ्लेम पर। कम से कम इसमें 7-8 सीटी आनी चाहिए, दाल बिल्कुल घुट जानी चाहिए। अब मिलते हैं हम इसे उबलने के बाद। देखिए, हमारा सांभर उबल के कुछ इस तरीके से हो गया। इसे जो इसमें अगर नेका टुकड़े रह जाते हैं मोटे मोटे तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा रह जाते हैं तो आप उसे मैशर से अच्छे से मैश कर सकती हैं। देखिए, इसमें थोड़े बहुत टुकड़े रह गए हैं, वरना मैंने इसे अच्छे से मैश कर दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से। चलो अब हम इसे इसमें तड़का लगाते हैं। चाहिए था कुछ इस तरीके से। हमने 2 बड़ी प्याज ली हैं जो दो मिक्सी में पीस ली हैं, 2 टमाटरों का पेस्ट बना लिया है, इमली जो हमने पहले ही फुलाने रख दी थी पानी में, इमली का पानी है, ये हरी चटनी है, ग्रीन चिली सॉस जो मैं इसमें यूज करूँगी, और ये है अदरक। और अब हम इसे इसमें तड़का लगाते हैं। गैस की फ्लेम ऑन कर ली है। हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, सांभर को ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया जाता है। सर, ये साउथ की फेमस रेसिपी है, साउथ का फेमस सांभर, तो वहाँ पर ज़्यादातर सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का ही यूज होता है। तो आज हम इसे सरसों के तेल में ही बनाएंगे, जिसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल अच्छे से सही पड़ना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। हमारा तेल वही कढ़ाई होने वाली है। अब हम डालेंगे इसमें लाही और मेथी। जी हाँ, कासीपल, जिसमें हम कासीपल छौंकते हैं वो वाली मेथी का यूज करेंगे। मेथी डालने से इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज हमने एक नया इंग्रेडिएंट आपको बताया है, मेथी डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छे से आता है, बहुत उभर के आता है इसका स्वाद मेथी का इसमें। तो आज हम इसमें डालेंगे लाही और मेथी मिक्स करके। कढ़ाई हमारी अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे अपना अनियन पेस्ट। देखिए, कढ़ाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। अनियन पेस्ट हमने इसका पेस्ट थोड़ा दरदरा सा बनाया है, बिल्कुल अच्छे से नहीं, पेस्ट बिल्कुल अच्छे से बनाया, थोड़ा सा मोटा सा रहने दिया है। देखिए, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो देखिए, थोड़ा मोटा दरदरा सा है। हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। ये इसका पानी पानी है। प्याज पीसते समय प्याज पानी छोड़ देती है, तो तलते समय हमें इस प्याज पानी को सुखाना पड़ता है। अब ये पानी सूखने तक हम प्याज को तलेंगे। फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम है, बच्चे नई नए बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल की, तो बच्चे नई नई रेसिपी की डिमांड करते हैं। मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के आपके जिनके भी बड़े बड़े बच्चे हैं जो लोग इन चीज़ों की डिमांड करते हैं, मैं उन लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में नई नई चीज़ें बनाएं और खिलाएं, जिससे बच्चे बाहर की चीज़ों को खाना अवॉइड करें। जितना बच्चे बाहर की चीज़ों को खाना अवॉइड करेंगे उतने ही तंदुरुस्त रहेंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और नई नई चीज़ें घर पर ही बनाकर उनको खिलाएं। देखिए, प्याज हमारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। हमने यहाँ मीडियम गैस की लो रखी है, फ्लेम रखी है, सॉरी। मेरी इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए मैसेज छोड़ा था सेव प्लांट का, तो प्लीज़ बताइए कमेंट कर करके मेरे ये मैसेज किस किसके पास पहुँचा है, और किस किसने अपने घर पर ज़्यादा नहीं एक ही प्लांट लगाया है, लेकिन लगाया है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सांभर एक मैं पहले ही बता सकती हूँ कि सांभर एक साउथ की फेमस रेसिपी है। तो इस रेसिपी के साथ सांभर के साथ वहाँ पर इडली बनती है और डोसा बनता है। ये आजकल हमारे यहाँ भी बहुत ट्रेंड में है, इडली डोसा और इडली सांभर और सांभर डोसा। तो बहुत यहाँ पर सभी लोग, सबको ही अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट जिसको ही अच्छा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन जिनको अच्छा लगता है वो सबके लिए ये हेल्पफुल रेसिपी है, हेल्पफुल वीडियो है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी वीडियो को अपना प्यार दें।
मैंने इडली की रेसिपी अपनी से पहले जो कुछ वीडियो आई है उनमें मेरी इडली की रेसिपी भी है कि आप बिल्कुल मार्केट जैसी फुली फुली रेसिपी कैसे बनाएं, आप वहाँ से देखकर अपने घर पे इसके साथ इडली की इडली भी बना सकती हैं। और अगर आप डोसा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके साथ डोसा की रेसिपी भी जरूर शेयर करूँगी। प्याज बहुत अच्छे से हो चुकी है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले में हम सबसे पहले इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी। एक चम्मच हल्दी हमने दाल उबालते समय डाली थी। दो चम्मच धनिया, सूखा धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा अदरक, जो अभी हमें मसाले प्याज के साथ ही तलना है। और हम इसमें डालेंगे दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हमें मसालों को अच्छे से तलेंगे दो मिनट के लिए। मसाले तल चुके हैं, अब इसमें हम डालते हैं टमाटर की प्यूरी। यहाँ ये दो बड़े टमाटर की प्यूरी है और इसे सामने ज़्यादा खट्टा ही अच्छा लगता है, जिसके लिए हमने इसमें इमली को भी वो किया है, भिगो के रखा था। अब इसमें हम नमक का यूज़ करेंगे, हमने एक छोटा चम्मच नमक पहले डाला था, यहाँ हम एक चम्मच नमक का यूज़ और करेंगे। इसे हमें ऐसे ही भूनना है, ढक्के नहीं रखना है। अब इसमें हम जो हमने ग्रीन चिली सॉस ली थी, अब हमें ये डाल देनी है। हमने दो चम्मच लिए हैं, ज़्यादा नहीं। आपके यहाँ सतरा थोड़ा कम दिखाना चाहते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन सांभर बनाने का प्रोसेस होता है थोड़ा लंबा होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको रेसिपी में बनाने में कोई परेशानी ना आए, या आगे चलकर आप ये ना कहें कि हमें रेसिपी अच्छी नहीं लगी, कोई इंग्रेडिएंट्स छूट ना जाए, जिसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ही देखें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करें। ये देखिए टमाटर होने ही वाले हैं, ये तेल छोड़ दें, तो इसमें हम इसमें अपना जो हमने कुकर में दाल का जो वो बनाया था, दाल जो बनाई है हमने सब्जी डालकर, वो इसमें हमें डाल देनी है। देखिए टमाटर हो चुके हैं, इन्होंने तेल छोड़ दिया है साइड साइड से, देखिए आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर ये तेल छोड़ दिया है, और हम इसमें दाल डालते हैं। केयरफुली भी वर्क करें, देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से उबली है, ये बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमें इसी तरीके से दाल उबालनी है। अगर आपकी दाल उबलने के बाद भी दाने दाने रह जाते हैं, सब्जी मोटी रह जाती है, तो आप उसे मिक्सी में पीस भी सकती हैं। तो लेकिन ये गर्म होती है तो प्लीज इसे या तो थोड़ा ठंडा करके पीसें, या फिर पीसते समय तो इसकी एक थोड़ी थोड़ी भाप निकाल कर पीसें। ये देखिए मैंने थोड़ी दाल ही डाली थी, थोड़ी ही सब्जी ली थी, फिर भी ये कढ़ाई पूरी भर चुकी है। मैंने तो ये सोचा था दो तीन लोगों के लिए, लेकिन ये कम से कम 4-5 लोगों के लिए ही बनेगी। अब इसे हमें पतला करना है, सांभर थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। और इसमें पानी डालेंगे, आप इसमें एक बार खत्म होने के बाद, इसमें एक उबाल आने के बाद इसका टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको इसमें नमक कम लगता है तो आप कम नमक और डाल सकते हैं। मैंने इसमें एक गिलास पानी और डाल दिया, एक छोटा गिलास पानी। अब इसे हमें उबलने देना है, इसमें हमें ये हमारी इमली का जो पानी था वो भी अब इसमें डाल देना है, ये मैंने अच्छे से छान लिया था। और इसमें हमें क्रश करके कस्तूरी मेथी, लास्ट में कस्तूरी मेथी जरूर डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कस्तूरी मेथी को बहुत मतलब सभी खा लेते हैं, धनिया को अवॉइड करते हैं, इसलिए मैं कस्तूरी मेथी ही डालती हूँ ज़्यादातर। देखिए सांभर बहुत अच्छे से खदक चुका है, मैंने इसे 10-15 मिनट ही खदकाया है। आप जब भी इसे खाएं तो गर्म करके ही खाएं, जितना आप इसे गर्म करेंगी उतना ही खट्टा होता चला जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट होता चला जाएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो सांभर इडली या डोसा के साथ अच्छा लगता है, आज मैंने अपने घर पे इडली बनाई है। देखिए मैंने इडली की रेसिपी पहले ही शेयर कर रखी है,
आज मैंने इडली बनाई है, ये बहुत सॉफ्ट बनी है। आप ये इडली की रेसिपी वहाँ से देख सकती हैं। आज मैंने बहुत छोटी छोटी इडली बनाई है, वहाँ तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बनाई थी, आज मैंने बहुत छोटी छोटी इडली बनाई है। तो आप इडली भी बना सकती हैं, सांभर के साथ डोसा भी बना सकती हैं। डोसा की रेसिपी के लिए आप मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। बाय बाय।